हम लोग गे हैं और ये बात हमने बताना चाहता ये बात मैं कैमरे के सामने नहीं लाना चाहता था। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोगों को, एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वक्त बज रहे हैं 5:45, नहीं 4:45, और फजर का टाइम हो चुका है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ अभी कि हफ्ते दो हफ्ते से यानी हफ्ते भर से मैं 12 बजे से पहले सो जाता हूँ, या 11:30 या 12 बजे तक गर्दन गिर जाती है और अपने आप ऑटोमेटिकली 4 बजे या तहज्जुद के समय उठ जाते हैं। फिर चाय वाय पी के नमाज वमाज पढ़ के फजर की, फिर 7 बजे सो जाते हैं। तो यही है बस, सोना उठना। तो अभी मेरा दोस्त हारून शायद आधी नींद सोया हुआ है, उसको मैंने ऐसे ही कॉल कर दिया कि अभी वो है और ना चला जाएगा, फिर पता नहीं कब मिलना हो। अभी तो आया है तो 4 साल बाद मिला, तो उससे मिल लें और उसको चाय पिलाने लेके जाते हैं। उससे पहले फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर दिन की शुरुआत करते हैं। तो वजू कर लेते हैं, गुड मॉर्निंग, यही जो है वही खाओगे और क्या। जिया मैं जा रहा हूँ, किसी दे दो। गोला तुम भी किसी दे दो। जल्दी नमाज पढ़नी पड़ेगी मुझे। सुबह नूरी मस्जिद जाना है, नूरी मस्जिद के पास खड़े हैं ये। हाय हाय, होय होय, हाय हाय, ये मैं आ गया हूँ नानी के घर के पास। गाइस, ये है मेरे मामू का घर। हाथ हो गया हूँ इधर, लेकिन वो किधर है? अब वो बोल रहा है किसी रेंट के घर में किसी रिलेटिव के यहाँ रहता है वो। अब वो बोल रहा है कि नीचे ताला लगा हुआ है, जिनका घर है वो ताला लगा करके। अरे तो मैंने कहा उनको उठाओ, बोलो खोले। आई थिंक यहाँ पे हाफिज जी भी रहते हैं, यहीं पे जो कार है वहाँ पे, ये राइट में हाफिज जी के घर है। हारून भी यहीं कहीं है आई थिंक। ये मैं बुलेट लेके आने वाला था, लेकिन बुलेट का मैंने ना साइलेंसर चेंज करवा दिया है, छोटा पंजाब लगवा दिया है, डन 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 करता रहता। वैसे ये भी फटा वास साउंड कर रहा है, पता नहीं क्यों, जब से इसका इंजन खुलवाया है ना तब से फटा वास साउंड कर रहा है ये वाली मेरा स्कूटर, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ करता है यार, पता नहीं क्या हो गया इसको। ये मेरी पहली ली हुई गाड़ी थी, बेचारे को EMIs पे लिए थे और भर रहे थे, तो इसलिए हम कभी इसको बेचने की नहीं सोचते हैं। OLX पे डाल भी देते हैं, फिर कोई आता है तो फिर मन करता है रहने दो यार, नहीं बेचा। तो अभी कुछ नहीं, बस जाएंगे चाय वाय पियेंगे, थोड़ा सा मस्ती उस्ती करेंगे। मस्ती क्या करेंगे, बातें करना ही हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मस्ती हो जाती है। अभी देखना ये पड़ेगा कि वो है कहाँ। ये आ रहे हैं वो फोन पे बात करते हुए।
फोन पे बात करते हैं। फोन रख, देखा जाए। अच्छा अच्छा, दिखा रहे होगी, लड़की नहीं आई है। अरे अल्लाह, ये हम प्रूव अपने व्लॉग के लिए बना रहे हैं। रख जल्दी, रख फोन। सी यू, गुड नाइट। सी यू, गुड। बोला सो जा भैया, सुबह हो गई, सुबह हो गई है, सो जाना चाहिए। भाई इतना क्या जान हो रही है। नमाज पहले पढ़ ली है। अच्छा, हमने एक ऐप डाउनलोड किया हुआ है, ऐप में जो टाइम लिखा रहता है उस हिसाब से पढ़ लेते हैं, तो गलत है। नहीं, नमाज गलत तो ही है, है ना? हमारे ये क्या जान होगी। हाँ, लेकिन तुम तो नमाज तो ना, तो उस नमाज में नहीं। अरे गई तो होगी ना यार। हाँ गई होगी, अल्लाह करने वाले। लेकिन ऐसा क्यों बोलते हो यार? जब नियत फर्ज की बांध के तो आज लोग चलते चलते चाय पीने के बाद हम लोग आ गए ट्रांस गंगा सिटी। पहले मेरा था कि गंगा बैराज जाएंगे, गंगा बैराज, फिर ये मेरी वाइट वाली फटपटिया देखो। तो गंगा बैराज इसलिए नहीं रुके क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर बैठने का, यहाँ पर भी बैठने का नहीं है कुछ, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। मतलब हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा, या तो बहुत तेज़ हवा चलती तो थोड़ा अच्छा लगता है, यहाँ थोड़ा खुला खुला है। तो यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आएंगे, इनकी क्लास लेनी है थोड़ी, इनको ज़िंदगी के बारे में कुछ पार्ट पढ़ाने हैं, तो इनको सही लगेगा तो वही हमें पढ़ा देंगे, है ना? एक दूसरे को पढ़ाएंगे, एक दूसरे को पढ़ाएंगे। हम लोग गए हैं और ये बात हमने बताना ये बात मैं कैमरे के सामने नहीं लाना चाहता था, लेकिन लाना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, भाई है और 4 साल के बाद मिल रहे हैं। मेरा ये सबसे ज़्यादा समझ लो कि हम कहते हैं, हम लोगों से बताते हैं, पहले भी बताया था, अबे ये नहीं होसड़ी के नहीं दिखाना था मसाला। जुमा केसरी थोड़ी सी गलत आदत लगी हुई है इसको, मसाला खा लेता, लेकिन यहाँ आया है तब नहीं। खाओ खाओ, कोई नहीं। तो कहने का मतलब है, हम जब 9th में 5 क्लास में थे, आई थिंक 6 से या 5 से दोस्ती हुई थी, 2005, 6, 7, 8, 9 तक रहे, फिर ये चले गए थे मुंबई। पूरी कहानी हम उसमें एक व्लॉग में बताए थे, लेकिन उस व्लॉग को अपलोड नहीं किया क्योंकि आवाज़ सही नहीं आई थी, उसमें पंखे की आवाज़ ज़्यादा आ गई थी, इसलिए हमने अपलोड नहीं किया उसको। तो हारून से ये है कि बचपन की दोस्ती है, और हारून चला गया, फिर उसके बाद मेरी दोस्ती हुई नहीं किसी से। मतलब ऐसे कहने के लिए बहुत सारे लोग सपोर्टिव रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, लाइफ में आए हम, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल पे है मेरे दिल में, जिन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा कर देंगे कि रात में 2 बजे भी खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक वो वाली दोस्ती होती ना, वो बचपन से ही होती है, और अगर बचपन से नहीं हुई तो फिर वो एक एज के बाद, कॉलेज में आने के बाद, सक्सेस होने के बाद वो नहीं हो पाती है। बहुत रेयर कोई ऐसा मिल जाए, क्योंकि बहुत दिमाग आ चुका होता है ना सबके भी, सामने वाले के भी, आपके भी, हर, फिर आदमी एक दूसरे से मतलब की वजह से मिलता है, या मतलब पैसे का हो, या मतलब शोहरत का हो, या मतलब साथ बैठ के अच्छे टाइम का हो कि यार इसके साथ मज़ा आती है बात करने में, मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन वो मतलब होता है। मतलब उससे मिलना बंद हो जाता है तो वो दोस्ती ख़त्म हो जाती है। अंशुद बचपन की दोस्ती ऐसी होती है जो बिना मतलब की होती है, क्यों? क्योंकि ना वो उस वक्त मतलब के लिए थी, फिर वो ना वो अभी मतलब के लिए होती है, क्योंकि वो एक यादें हो जाती हैं। फिर उस आदमी, जैसे आप अपनी माँ को मतलब के लिए थोड़ी ना देखोगे, चाहे आपकी माँ काली हो, गोरी हो, जैसे भी हो, माँ तो माँ होगी, उससे थोड़ा फ़ायदा थोड़ी ना सोचोगे। तो वैसे ही दोस्त भी हो तक क्या, तुम सही सी बातें कर रहे थे और गहरी गहरी दे रहे हैं ना। माँ काली हो, गोरी हो, वे यार इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगे हम, अच्छा लगता है कभी कभी कि इतनी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। मेरी लाइफ में 2-3 दोस्त हैं जिसमें से तुम हो। हाँ, इसमें तीसरे हम हैं नहीं। पहले नंबर और दूसरे तो उसामा और शर्मा। लेकिन पुराने दोस्त हम ही ऐसे हैं जिससे तुम बहुत ज़्यादा मिल चुके हो, बहाने बहाने से हम लोग मिले मुंबई में, याद आती है इसलिए। मुंबई में भी बहुत ज़्यादा मिल चुके, नहीं नहीं ऐसा, वो तो सही है, लेकिन किस्मत ने भी मिलाया ज़्यादा,
लेकिन नेचर से भी होता है ना यार। हाँ वो तो फिर है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा पसंद है। आ जाते हैं, अभी घर नहीं गए, फिर है भी तो नहीं। अरे फिर भी तुम नहीं होते हम घर ना जाते। जाते बिल्कुल 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 भाई, वही लाइफ में दो तीन चार दोस्त है जिनके साथ पूरी जिंदगी गुजरेगी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दुख सुख मुसीबत खुशी गम सब में एक दूसरे की सब में पकड़े रहेंगे। देख देख उतर तो नहीं रही। बचपन की बातें, बचपन की बहुत सारे किस्से हम लोग के। ये कहाँ, ये कौन सा एरिया है भाई? ये है ट्रांस गंगा सिटी। मतलब ये ऐसी जगह हो गई है। नहीं नहीं हम तुम बता रहे हैं, ये एक ऐसा ही है, इसके आगे भी सेम ऐसा ही है। ये पूरे सिटी बनाई गई है, यहाँ पे प्लॉट कटने चालू हो जाएंगे। अभी देखो रोड रोड बन गई है, अब प्लॉट यहाँ पे बिक भी गए होंगे और कहाँ तो पीछे बन भी गए होंगे। वो वाले जो साइड है क्या है, यहाँ पे सब कुछ होगा। यहाँ पे मॉल भी होगा, यहाँ पे थिएटर भी होगा, यहाँ पे कॉलेज भी होगा। ये कानपुर एक्सटेंड हो गया है, यहाँ तक कानपुर खत्म होने लगता था यहाँ से। अब बड़ा हो गया ये, तो यहाँ पे अब चीज़ों के लिए हम लोग को नवीन मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे सब कुछ प्रोवाइड करा दी जाएंगे आज से 10 साल के अंदर। स्पेस भी दे रहे हैं ना, बहुत स्पेस है, देखो कितना बड़ा बड़ा स्पेस है। ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। एक टाइम आएगा हारून देखना 10 साल के बाद यहीं भी कितनी ट्रैफिक होगी और यहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ा होगा। कैमरा वगैरह हाँ जो भी है, मतलब यहीं पे ट्रैफिक होगी क्योंकि ये जो रोड जा रही है वो पीछे सीधे मेन हाईवे को जोड़ती है और वो हाईवे सीधे लखनऊ को जोड़ती है। अच्छा हाँ हाईवे है ना पूरा ये। अभी इसको बंद करते हैं फिर थोड़ी बात करते हैं।